तिरंगा जो हमारा है वो हमारे देश का झंडा है, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए, पर अभी भी अपमान हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ भाई, आप इसकी तरफ संज्ञान लीजिए भाई, जिस झंडे का स्थान जहाँ है उसको वहाँ पे रखना चाहिए। आप ये देखिए वीडियो में देखे हो, ये देखो सरेआम देखो अपमान हो रहा है। और वो जो बंदा ऊपर चढ़ा था वो बड़ा कुछ कह रहा था, मैं उसकी आवाज़ भी सुन रहा था भाई, ये जय श्री राम का अपमान है। ये देखो कितने सालों से, अभी ये जो लिखा हुआ है हे राम मदे, कितने सालों से मूर्ति है पूरे भाई बूट पे। ऊपर से मैं उस बंदे की आवाज़ सुन रहा था, वो कह रहा था कि जो हे राम नीचे लिखा है और गांधी जी ऊपर हैं। देखो पहले देखो कितनी हैरानगी की बात है, तो हे राम जो वर्ड है ये इसलिए है कि जब ये इस नाम से दिक्कत थी उसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है। हाँ देखो ये नाम क्यों लिखा गया, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी उनके अंतिम शब्द थे हे राम, उस टाइम उनके मुंह से हे, और वो हे राम यहाँ लिखा हुआ है। और जो जो ये बंदा कह रहा था कि यह राम का नाम लिखा है, वो खुद भी बूट लेके ऊपर चढ़ा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि गांधी जी ने ये हे राम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हे राम इनके ऊपर हो तो ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, भगवान का नाम सबसे ऊपर है। पर जो ये कल घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी घटना नहीं है। मैं चाहता हूँ सभी को निंदा करनी चाहिए और उस बंदे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने देखा कि ये माहौल बन रहा था डैंग साहब, मुझे क्योंकि मुझे एक हफ्ता पहले ही किसी ने कहा कि ऐसे मैसेज जो हैं ये ग्रुप्स में घूम रहे हैं, यानी कि माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ लोगों ने ये मैसेज बनाए हैं। और वो लिख रहे थे कि हे राम नीचे आ गया, वो हे राम को जय श्री राम से जोड़ रहे थे भाई, जय श्री राम नीचे है, गांधी जी के पैरों के नीचे है। एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, एक सोच को क्रिएट किया जा रहा है। आशीष शुभीर पांडे, प्रिंसिपल बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल सुजवान जम्मू। हेलो, माय सेल्फ उल्फत जहान, आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर बिकॉज़ ऑल द टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6th से लेके 12th तक हम girls and boys के लिए hostel facilities जो है हम available कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप school में ज़रूर visit करें, new coming जो हमारा admission का जो session आएगा आप ज़रूर आएं। At BN school we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. अभी हम सतवारी चौक में मौजूद हैं और ये गांधी जी की प्रतिमा आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये वही प्रतिमा है जिसमें कल से एक वीडियो जो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति यहाँ पे चढ़ के जो है हथौड़े से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते जो है इसमें मामला दर्ज किया है, FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तिरंगा झंडा जो है उसका अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। तो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। ये भी सतवारी इलाका के ही रहने वाले हैं। हरजीत जी कैसे देखते हैं ये जो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें पहले हमें दूसरी स्टेटों से देखने को मिला करती थी, लेकिन अब हमारा जम्मू भी पीछे नहीं है। इस तरह की हरकतें, इस तरह के हौसले जो इन लोगों के बुलंद हुए हैं, हालांकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पर लगातार काम भी कर रही है, इस तरह के लोगों को जो है बुक भी कर रही है, लेकिन हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं कि इस तरह की जो वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? डैंग सर, इस तरह की हरकत हम जम्मू में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं हैरान हो गया भाई, अभी तक कांग्रेस का नेता भी कोई नहीं बोला है, उनको बोलना चाहिए था, ठीक है। कोई सोशल एक्टिविस्ट आगे नहीं आया है क्योंकि ये वीडियो इतना वायरल हो गई है। आपने देखा वीडियो में एक बंदा बूट समेत, बिल्कुल ठीक है, उसने बूट डाले, बूट समेत ऊपर चढ़ के तो पूरा जोर लगा रहा है। पहले उसने 5-6 हथौड़े सर पे मारे, पाँव पे मारे, पर मैं दाद देना चाहता हूँ कि जिसने ये मूर्ति बनाई है, मेटल इतना स्ट्रांग है कि ये मूर्ति टूटी नहीं। आप देखो कि इतना जोर जोर से हथौड़े मार रहा है, अगर मेटल वीक होता तो इस मूर्ति के 10 पीस हो जाने थे। और मेरे ख्याल में इसकी निंदा सभी को करनी चाहिए, जितने लोग हैं जम्मू कश्मीर के सभ्य लोग हैं भाई बूट पे। ऊपर से मैं उस बंदे की आवाज़ सुन रहा था, वो कह रहा था कि जो हे राम नीचे लिखा है और गांधी जी ऊपर हैं। देखो पहले देखो कितनी हैरानगी की बात है, कि हे राम जो वर्ड है ये इसलिए है कि जब ये इस नाम से दिक्कत थी उसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है। हाँ देखो ये नाम क्यों लिखा गया, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी उनके अंतिम शब्द थे हे राम, उस टाइम उनके मुंह से हे, और वो हे राम यहाँ लिखा हुआ है। और जो ये बंदा कह रहा था कि यह राम का नाम लिखा है, वो खुद भी बूट लेके ऊपर चढ़ा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि गांधी जी ने ये हे राम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हे राम इनके ऊपर हो तो ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, भगवान का नाम सबसे ऊपर है। पर जो ये कल घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी घटना नहीं है। मैं चाहता हूँ सभी को निंदा करनी चाहिए
और उस बंदे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने देखा कि ये माहौल बन रहा था डैंग साहब, मुझे क्योंकि मुझे एक हफ्ता पहले ही किसी ने कहा कि ऐसे मैसेज जो हैं ये ग्रुप्स में घूम रहे हैं, यानी कि माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ लोगों ने ये मैसेज बनाए हैं, और वो लिख रहे थे कि हे राम नीचे आ गया, वो हे राम को जय श्री राम से जोड़ रहे थे, भाई जय श्री राम नीचे है, गांधी जी के पैरों के नीचे है। एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, एक सोच को क्रिएट किया जा रहा है, ये किस तरह की सोच जो है हमारे युवाओं में पन रही है, ये बड़ी गलत किस्म की सोच है, और मैं हैरान हो गया भाई। और युवा इतना बड़ा हथौड़ा लेके उसने कम से कम 5-10 हथौड़े सर पे मारे, मेरे पास प्रूफ है, 10 हथौड़े उन्हें लेग्स पे मारे और प्रतिमा टूटी नहीं है। वीडियो की खुद ही बनवाई है? नहीं, वीडियो मेरे ख्याल आसपास के लोगों ने बनवाई है। मेरे ख्याल अभी जो वीडियो मेरे पास आई है, वो जो लोग आसपास खड़े थे, दुकानदार खड़े थे, उन्होंने वीडियो बनाई है और बड़ी दूर से शूट की है, और इससे प्रूफ हो जाता है उसने पूरा जोर लगाया है प्रतिमा तोड़ने के लिए, जो कि बड़ा ही निंदनीय कार्य किया उसने। जी हरजीत जी, हालांकि सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, उस व्यक्ति को बुक कर लिया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तिरंगा झंडा, इसका अभी भी कहीं ना कहीं अपमान होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए तिरंगा झंडा जो है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तिरंगा जो हमारा है वो हमारे देश का झंडा है, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए, पर अभी भी अपमान हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ भाई, आप इसकी तरफ भी संज्ञान लीजिए भाई, जिस झंडे का स्थान जहाँ है उसको वहाँ पे रखना चाहिए। आप ये देखिए वीडियो में देखे हो, ये देखो सारे आम देखो अपमान हो रहा है, और वो जो बंदा ऊपर चढ़ा था वो बड़ा कुछ कह रहा था, मैं उसकी आवाज़ भी सुन रहा था, भाई ये जय श्री राम का अपमान है, ये देखो कितने सालों से, अभी ये जो लिखा हुआ है हे राम मतलब कितने सालों से मूर्ति है, पूरी दुनिया में ऐसे लिखा हुआ है। तो एक नई सोच जो है, मतलब गलत सोच है, कुछ लोग शरारती लोग जो है जानबूझ के मैसेज करके हमारे युवाओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं, और युवाएं बड़ी जल्दी एक्शन में आके और थोड़े लेके यहाँ पहुँच गए। क्या क्या मैसेज रहेगा आपको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि इस मानसिकता के जो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कोई भी जो इस तरह का मामला अगर हम करते हैं तो हम पे किसी की नज़र नहीं होगी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, कितना सख्त होना पड़ेगा? सर मैं तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है आप देखो इनके आगे सर झुकाते हैं, इनके गले में हार मालाएँ पहनाते हैं, विदेशों में जाके गांधी जी की तारीफ करते हैं, ठीक है भाई उनसे ही सीख लो, ठीक है ना, कम से कम गांधी जयंती रखी जाती है, हम पूरे भारत में इनका प्रोग्राम किया जाता है, और ये कैसी सोच पनप रही है, इसको मेरे ख्याल में हाई लेवल पे कंडेम करना चाहिए, इससे हमारे बच्चों के अंदर जो गलत सोच आ रही है वो चेंज होनी चाहिए। जी चलिए शुक्रिया मैं से बातचीत करने के लिए, और ये जो वीडियो जिस सतारी चौक से जो है वायरल हो रहा था, हम यहाँ पे मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट अपना हरजीत जी हमारे से बातचीत कर रहे थे, आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया, मैं अरफाज़ मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।